from Nari Yoga. We have Mr. Pavan Dingaji. He's 66 years old and he came to us with osteoarthritis on both the knees. It's only been very few days, 15 days here. So we're going to ask about how he feels now after 15 days of having Nari Yoga therapy. आपको क्या फर्क लग रहा है? अभी आपका 15 दिन हुए हैं. देखिए ऐसा है कि मेरे औरतों में फर्क चेंजेस आए हैं, मतलब ये मुझे मतलब चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं, अब कम है, पहले से कम है. अभी ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन लेकिन पहले से कम नहीं है. 15 दिन का ट्रीटमेंट करवाया मैंने, तो इसमें मतलब ये कहता है मुझे चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली मैं दोनों तरीके से मैंने मुझे डेवलप हुआ है. तो आप जैसे जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नी बोथ नीज है, तो रोज़मर्रोज़ की जिंदगी में छोटे छोटे टास्क होते हैं, वो भी डिफिकल्ट हो जाते हैं. वो नहीं कर पाता था. हाँ. वो नहीं कर पाता था. हाँ. जैसे मतलब मैंने खाना खाया और खाने की प्लेट में वहीं रख देता था, मतलब मैं सिंक तक नहीं लेके जाता था. हाँ. अब मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने आप उठ के रखूँ. हाँ. मतलब इतनी जब पहले जितना दर्द होता था उतना नहीं होता, जहाँ पे आप अब अपनी रेगुलर चीजें आप कर पा रहे हैं. और एनर्जी लेवल कैसा है आपका? एनर्जी लेवल ठीक है. और पहले से चेंजेस है. पवन जी जो है वो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का लेके आए थे, लेकिन उनमें काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी चेंजेस आया है, जैसे कि मेटल कंटेंट जो हमारी बॉडी में होता है, बिकॉज वी ईट अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट यू नो जंक फूड्स कहेंगे या रिफाइंड फूड्स कहेंगे, जिसकी वजह से मेटल कंटेंट जो है बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, वो रिड्यूस हुआ है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हुआ है, और दूसरी सारी ऑक्सीजन जो ब्रेन में जाता है वो भी उनका इंक्रीज हुआ है, जो हमने स्टडी किया है. एंड देयर इज अ ह्यूज चेंज एज वेल, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज फाइंडिंग हिमसेल्फ डूइंग थिंग्स जो वो पहले नहीं कर पाते थे. सो वी आर गोना टेक अनदर 15 डेज एंड देन वी गोना टेक एन इंटरव्यू अगेन ऑफ पवन जी एंड सी हाउ डिफरेंट ही फील्स अबाउट इट. थैंक यू. Thanks.